दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। अब से आपको मेरे सेकंड चैनल ब्लडी सूरज पर भी हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको सेकंड चैनल पर वीक एक से दो स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये डरावनी कहानी। दोस्तों, हमारे देश में कई रहस्यमयी जगह छुपी हुई हैं, जहां आने जाने वालों को अपना ही एक अलग अनुभव प्राप्त हुआ है, जो अकल्पनीय भी है। ऐसी ही एक जगह चेन्नई में भी है, जिसे ब्लू क्रॉस रोड कहा जाता है। और मानना ये है कि यहाँ पर एक यक्षिणी का वास है, और इसके साथ ही वहाँ पर और भी कई तरह के भूत प्रेत रहते हैं। और दोस्तों, ये जगह सुसाइड पॉइंट के रूप में देखी जाती है, जहाँ पर अभी तक न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस कारण से इस रोड से गुजरने वाले लोगों को अक्सर इस रोड पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव होता है। लोगों का कहना है कि इस रोड से गुजरते समय उन्हें उन लोगों की आत्मा दिखी जिन्होंने इस रोड पर आत्महत्या की थी। लेकिन जब मैंने इस बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये जरूर किसी की फैलाई हुई फालतू बातें हैं। लेकिन जब मैंने अपने ही एक क्लोज फ्रेंड से इस जगह के बारे में सुना तो मुझे यकीन हुआ कि ये सब सच है। मेरे दोस्त ने मुझे इधर उधर की कहानी नहीं, बल्कि अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया। उसके एक्सपीरियंस के बारे में सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। उसके साथ घटी घटना के बारे में जानने के बाद मैंने उस जगह के बारे में और जानने की कोशिश की, तो मुझे दो तीन लोग और मिले जो ब्लू क्रॉस रोड से गुजरे थे, और उन्होंने भी अजीबोगरीब चीज़ें मुझे बताई जो उन्हें उस रोड में देखने को मिली। मैं इन्हीं सभी घटनाओं को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले सुनिए कि मेरे दोस्त के साथ असल में हुआ क्या था। मेरे दोस्त का नाम है तरुण, जो कि हैप्पली मैरिड है, और उसकी 12 साल की बेटी भी है। उसकी पत्नी का नाम आसना है। ये बात है कुछ सालों पहले की, जब तरुण की बेटी कियारा को आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और तब अरुण और आसना उसे लेकर चेन्नई गए हुए थे, जहां आंखों के इलाज के लिए बेस्ट डॉक्टर्स हैं। तरुण का एक दोस्त था माहिर, जिसका घर चेन्नई में था, जो कि खाली पड़ा हुआ था। इसलिए माहिर ने तरुण से कहा कि जब तक कियारा का इलाज नहीं हो जाता, तब तक वो उसके घर में रह सकता है। तरुण और आसना कियारा के इलाज के लिए चेन्नई पहुंच गए, और जल्दी ही उनकी बेटी का ट्रीटमेंट भी चालू हो गया। करीब एक हफ्ते तक उसका ट्रीटमेंट चला, और उसके बाद 15 दिनों तक कियारा को रेस्ट करने के लिए कहा गया। जब वो ठीक हो गई तो तरुण और आसना वापस यूपी आने के लिए तैयार थे, लेकिन तरुण ने कुछ सोच कर कहा कि यार, इतनी दूर आए ही हैं तो क्यों ना दो तीन दिन घूम लिया जाए। आसना को भी ये ठीक लगा। तरुण के पास माहिर की कार भी थी, जो कई महीनों से गैराज में रखी हुई थी, क्योंकि माहिर कई महीनों से चेन्नई गया नहीं था। तो एक रात तरुण और आसना कियारा को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। चेन्नई के रास्ते से वो दोनों बिल्कुल अनजान थे। कहाँ जाना सही है और कहाँ नहीं, ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट मिला, जहाँ उन्होंने नॉनवेज खाया, और थोड़ा नॉनवेज जो बच चुका था उसे पैक करवा कर गाड़ी में ही रख लिया। फिर ऐसे ही घूमते हुए वो दोनों वहाँ पहुँच गए, जहाँ रात के समय में जाना खतरे से खाली नहीं था। वो जगह थी ब्लू क्रॉस रोड। ये जगह कुछ ऐसी थी जहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ थे, जिससे दिन में भी सूरज की किरणें रोड पर नहीं आती थी। जैसे ही तरुण और आसना ने उस रोड में एंटर किया, अचानक से आसना को कुछ बुरी वाइब्स आने लगी। उसने तरुण से कहा, यार ये जगह कुछ अजीब है तरुण, वापस चलते हैं। तो तरुण ने कहा, क्या अजीब है यहाँ, सब तो ठीक है, तुम घबराओ मत। तरुण आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आसना को झाड़ियों के बीच कुछ दिखा, और उसने गाड़ी को रोकने के लिए कहा। तरुण ने गाड़ी रोक दी। आसना ने कहा, वहाँ झाड़ियों के बीच कुछ था। तरुण ने कहा, क्या आसना, अरे होगा कोई कुत्ता या कोई छोटा मोटा जानवर, तुम भी ना यार।
इससे पहले कि तरुण वापस से गाड़ी चालू करता, आसना ने कुछ सुना। उसे लगा जैसे कि झाड़ियों से चलते हुए कोई उन्हीं की ओर आ रहा हो। तुम ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं लगता कि कोई इस तरफ आ रहा है। तरुण ने झाड़ियों की ओर देखा, लेकिन काफी समय तक वहां से कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ आवाज ही आ रही थी। तरुण ने कहा, कुछ नहीं है यार वहां, छोड़ो ये सब। तरुण ने वापस गाड़ी चालू कर दी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जब उसने गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। गाड़ी चालू हो गई थी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी, जिसे देख तरुण और आसना को घबराहट होनी शुरू हो गई। फिर एकदम से गाड़ी की हेडलाइट फ्लिक करने लगी। अचानक उस जगह का टेम्परेचर गिरने लगा और साथ ही साथ तरुण और आसना को अजीब सा एहसास होने लगा। कियारा पीछे बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी कियारा ने कुछ देखा और तरुण से कहा, पापा बाहर एक बच्चा है। तरुण और आसना हैरान हो गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नजर नहीं आया। उन्हें लगा कि कियारा को कोई गलतफहमी हुई होगी। तरुण वापस से गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगा और फिर कार से बाहर निकलकर गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो आगे नहीं बढ़ रही थी। इसके बाद तरुण फिर से कार में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसका ध्यान इस बात पर गया कि कियारा पीछे वाली सीट पर बैठे हुए बाहर झांक रही थी और किसी को हाथ हिलाकर बुला रही थी। तो तरुण ने कहा, कियारा किसे बुला रही हो? तो कियारा ने कहा, पापा वो लड़का। तरुण ने बाहर निकलकर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तरुण ने फिर कियारा की तरफ देखा, वो तब भी किसी को हाथ हिलाकर बुला रही थी। तरुण और आसना के दिल जोरों से धड़कने लगे, क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। आसना ने कियारा को अपनी गोद में ले लिया और उसे बाहर देखने से मना किया। तरुण भी कार में बैठ गया और उसने कार को लॉक कर दिया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। आसना तुरंत हनुमान चालीसा बोलने लगी। तभी कार में पीछे वाली खिड़की पर किसी ने नॉक किया। तरुण और आसना ने तुरंत पीछे देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे एक औरत 15-16 साल के बच्चे को साथ लेकर खड़ी थी और खिड़की से अंदर झांक रही थी। तरुण और आसना की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी उन्हें देखकर, क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और दोनों ने ही सफेद कपड़े पहने हुए थे। उनकी नजर गाड़ी के पीछे वाले सीट पर रखे हुए नॉनवेज के पैकेट में थी। आसना ने आगे देखा और सामने कुछ देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने कार के बोनेट पर 5 से 6 साल का बच्चा बैठा हुआ था और वो सामने विंड शील्ड को ठोक रहा था। आसना ने कियारा की आंखें बंद कर दी और बोली, तरुण कुछ करो। दोनों के पसीने छूट गए थे। दोनों ही डर के मारे थरथरा रहे थे। तभी तरुण ने नॉनवेज के पैकेट को पकड़ा और विंडो से तुरंत बाहर फेंक दिया, जिसके बाद वो औरत, उसके साथ खड़ा बच्चा और सामने कार में बैठा हुआ बच्चा तीनों ही उस पैकेट पर टूट पड़े। तरुण ने उसी वक्त कार आगे बढ़ाने की कोशिश की। आसना हनुमान चालीसा बोलती जा रही थी। उनकी सांसें अटकी हुई थी उस समय, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और कार चल पड़ी। ये कुछ ऐसा था मानो नॉनवेज के कारण ही उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि आत्माओं की नज़र उस नॉनवेज पर थी, जिसके कारण वो तरुण को आगे नहीं जाने दे रहे थे। किसी तरह तरुण तेज स्पीड में उस ब्लू क्रॉस रोड से बाहर निकल गया, लेकिन उसके बाद भी तरुण और आसना डर के मारे कांप रहे थे। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऐसा भयानक एक्सपीरियंस अगर किसी के साथ होगा तो उसका भी दिल बाहर आ जाएगा। अब ये तो हुई मेरे दोस्त तरुण की दास्तान। उसकी कहानी जानने के बाद मुझे उस ब्लू क्रॉस रोड के बारे में और भी जानने की इच्छा हुई, इसलिए मैं अपने जान पहचान के उन लोगों से बात करने लगा जो कभी चेन्नई में रहते थे या कभी वहाँ घूमने गए थे। उन लोगों में एक थे दामोदर काका, जिन्होंने 1 साल चेन्नई में ऑटो रिक्शा चालक का काम किया था। तब उनकी उम्र करीब 30-32 साल की थी। वो तब अपने परिवार के साथ चेन्नई में रहते थे। सुबह से रात तक उन्हें ऑटो चलाना पड़ता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति खराब थी और कमाने वाले वही थे, इसलिए जहाँ जैसे भी सवारी मिल जाए, जितना भी पैसे दे दे, वो उतने में ही खुशी खुशी लोगों को उनकी मंजिल तक ले जाते थे।
इसी तरह एक रात की बात है, सुबह से उन्हें एक भी सवारी नहीं मिली थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थे और किसी सवारी का वेट कर रहे थे। रात के 11 बजे के आसपास उन्हें जब कोई नहीं मिला तो वो घर जाने के लिए निकल गए, लेकिन बीच सुनसान रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली जो ऑटो का इंतजार कर रही थी। दामोदर काका ने ऑटो रोका और उससे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो उसने अपना डेस्टिनेशन बताया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ब्लू क्रॉस रोड को पार करना था जो कि हॉन्टेड था। दामोदर काका ने वहां जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन उस लड़की ने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए काका, यहाँ इस वक्त मुझे शायद ही कोई ऑटो मिलेगी, आप जितना पैसा बोलेंगे मैं दे दूंगी, 2 गुना 3 गुना कुछ भी। तो दामोदर काका ने कहा, देखो बेटा वो बहुत दूर है और उसके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। फिर ये सुनकर वो लड़की मान गई और दामोदर काका ने सोचा कि वो उसे जल्दी से छोड़कर वहां से निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को ऑटो में बैठने के लिए कहा। 1 घंटे के बाद वो लोग ब्लू क्रॉस रोड पर एंटर कर गए। दामोदर काका को डर लग रहा था, लेकिन वो लड़की आराम से बैठी थी, तो दामोदर काका को लगा कि वो जरूर इस स्ट्रीट के बारे में नहीं जानती होगी। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से ऑटो अजीब सी आवाज करते हुए बंद पड़ गई और ऑटो का मीटर अपने आप कम ज्यादा होने लगा, जिसे देख दामोदर काका के पसीने छूट गए। उस लड़की ने कहा, हे भगवान अब कैसे जाऊंगी घर, आप कुछ करो प्लीज दादा। दामोदर काका ने कहा, अरे हाँ हाँ मैडम देखता हूँ। दामोदर काका ने फिर से ऑटो चालू करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो चालू ही नहीं हुई। उन्होंने ऑटो को धक्का लगाकर भी देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो दामोदर काका ने कहा, देखिए आप यहीं बैठिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ मदद लेकर। उस लड़की ने कहा, अरे नहीं नहीं आप कहीं मत जाइए मुझे अकेला छोड़कर, मुझे अकेले डर लगता है। दामोदर काका को समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है आप ही चलो मेरे साथ, मैं आपको पैदल आगे तक छोड़ देता हूँ, शायद आगे से आपको कोई दूसरा ऑटो मिल जाए। वो लड़की मान गई और दामोदर काका उसे लेकर पैदल ही ब्लू क्रॉस रोड पर चलने लगे, लेकिन वो दोनों ऑटो से करीब 15-20 कदम की दूरी पर ही पहुंचे थे कि तभी दोनों को एक आवाज आई। दोनों हैरानी से ऑटो को देख रहे थे, न जाने कैसे वो अपने आप ही चालू हो गई। दोनों वापस ऑटो के पास गए। दामोदर काका समझ रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा था, लेकिन उस लड़की को कोई आइडिया नहीं था। काका ने कहा, अच्छा ठीक है चलो जल्दी बैठो, यहां से फौरन जाना होगा हमें। काका ऑटो में बैठ गए, लेकिन जैसे उस लड़की ने ऑटो में बैठना चाहा, वैसे ही उसे पीछे से कुछ आवाज आई। उसने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। ये सुनकर काका के पसीने छूट रहे थे। उन्होंने कहा, अरे मैडम जल्दी बैठो। वो लड़की बैठ गई और काका ऑटो चलाने लगे। उन्हें लगा कि वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाएंगे, लेकिन उनके उम्मीद के विपरीत ही कुछ ऐसा हुआ जो अच्छे अच्छों को ट्रॉमा में डाल दे। जब काका तेजी से ऑटो चला रहे थे, तब उस लड़की को सड़क पर किसी की परछाई नजर आई, पर जब उसने बाहर देखा तो सड़क पर कोई भी नहीं था। जिस साइड से वो झांक रही थी उसकी दूसरी तरफ से उसे कुछ आवाज आई, और जब उसने उस तरफ देखा तो उसकी सांसें एक पल के लिए अटक गई, क्योंकि उसके बाजू में ही एक आदमी बैठा हुआ था जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वो लड़की जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर दामोदर काका ने ऑटो रोकी और पीछे देखा, लेकिन उनके पीछे देखने से पहले ही वो आदमी गायब हो चुका था। उस लड़की ने कहा, यहाँ एक आदमी था काका, ये कैसे हो सकता है? दामोदर काका ने कहा, आप नहीं जानती हो मैडम, ये जगह भूतिया है, इसलिए मैं आने से यहाँ मना कर रहा था। आइंदा भूल कर भी इस रोड से रात को मत आना, वरना अगली बार कुछ और भी बुरा हो सकता है। उस लड़की के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और वो थरथरा रही थी, लेकिन आखिरकार दामोदर काका ने उस लड़की को सेफली उसके घर तक पहुंचा ही दिया। वो लड़की बहुत डर गई थी, इतना कि ठीक से चलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने काका को पैसे दिए और तुरंत घर के अंदर भाग गई। अब दामोदर काका को अपने घर जाने के लिए वापस उसी रोड से गुजरना था, और उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि वो रात ऑटो में ही गुजार ली जाए और अगली सुबह घर चले जाएंगे,
लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनका छोटा बेटा बीमार था और उसके लिए उन्हें घर जल्दी जाना था। इसलिए भगवान का नाम लेकर किसी तरह हिम्मत करके वो वापस उस रोड से गुजरने लगे। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था। उन्होंने सोचा कि वो इधर उधर बिना देखे आराम से वहां से निकल जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें कोई बैठा हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी उन्होंने ऑटो नहीं रोकी, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई इंसान नहीं है। उन्होंने उसके ऊपर से ऑटो निकाल दी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वो कांपते हुए वहां स्पीड में ऑटो चला रहे थे कि तभी उन्हें उसी रास्ते में एक और गाड़ी आते हुए नजर आई। उस गाड़ी के ड्राइवर ने ऑटो के ऊपर देखा और कहा, अरे भैया जल्दी निकलो यहां से, तुम्हारी ऑटो के ऊपर वो यक्षिणी बैठी है। ये सुनकर काका का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो उसी गाड़ी के साथ साथ ब्लू क्रॉस रोड से निकल गए। बाहर निकलने के बाद काका ने देखा कि ऑटो के ऊपर कोई भी नहीं था और अब वो सुरक्षित थे। उनकी कहानी सुनने के बाद मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। फिर उसी ब्लू क्रॉस रोड के बारे में मुझे बताया मेरी मौसी ने, जिनका बेटा सौरभ चेन्नई में जॉब करता था। एक रात की बात है, जब सौरभ अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक में उस रोड से गुजर रहा था। वो चार लोग थे जो दो बाइक में वहां से गुजर रहे थे। चारों काफी नींद में भी थे और ये जानते हुए भी कि वो रोड हॉन्टेड है, चारों बेफिक्र होकर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था और ना ही पहले इस रास्ते से गुजरते हुए उन्हें कुछ महसूस हुआ था। चारों कुछ बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर उन्होंने बाइक रोक दी और इधर उधर देखने लगे, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने इसे वहम समझ लिया और फिर से आगे जाने लगे, लेकिन फिर उन्हें एक चौंका देने वाली आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई लड़की दर्द में चीख रही हो। उन्होंने फिर से आसपास नजर दौड़ाई पर कोई भी नहीं दिख रहा था। चारों हैरान परेशान थे और फिर इतनी रात को वो किसी परेशानी में भी नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसी समय उन्हें पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, रुको भैया मेरी मदद करो, रुको। सौरभ पीछे बैठा था इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक लड़की बाइक के पीछे पीछे भागते हुए दिखी। सौरभ ने तुरंत बाइक रोकने को कहा और फिर चारों बाइक से उतर गए। लेकिन जब उन चारों ने वापस उसकी ओर देखा तो वो वहां थी ही नहीं। सौरभ ने कहा, अरे अभी तो मदद के लिए रोक रही थी, कहाँ चली गई? वो चारों इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगे, पर वो ऐसे गायब हो गई जैसे कि जमीन उसे निकल गई हो। तभी पास के एक ऊंचे पेड़ के ऊपर की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी और चारों का ध्यान उसकी तरफ गया, लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहा था कि सारे पेड़ शांत होने के बावजूद भी सिर्फ वही एक पेड़ कैसे हिल रहा था। ये देखकर सौरभ का एक दोस्त उस पेड़ के पास जाने लगा तो सौरभ ने कहा, अरे भाई रुक, पास मत जा। लेकिन उसके दोस्त ने उसकी बात नहीं सुनी और पेड़ के पास जाकर ऊपर देखने लगा। तभी उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जिसे देख उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों को कहा, यार ऊपर कोई बैठा हुआ है। उसकी बात से बाकी तीनों हैरान हो गए और पेड़ के पास आ गए। उस लड़के ने तीनों को वही चमकती हुई आंखें दिखाई, चारों उसे ही देख रहे थे कि तभी एकदम से ऊपर पेड़ पर जो भी बैठा हुआ था उसने छलांग लगा दी। चारों उसे कूदते देखकर वहां से भागे, लेकिन एक दूसरे से टकरा कर ही नीचे गिर पड़े। लेकिन जब चारों उठे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं है, न जाने वो किसकी चमकती आंखें थी। सौरभ ने कहा, यार ये जगह बड़ी अजीब है, चलो निकलते हैं यहां से फौरन। चारों जल्दी बाइक में बैठे और वहां से जाने लगे। डर के मारे सबका गला सूख गया था, चारों पसीने से बुरी तरह से भीगे हुए थे, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सबको बस इस एरिया से जल्दी निकलना था, लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक एक लड़की उनकी बाइक के सामने आ गई और उसे देख उन लोगों ने तुरंत बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों की ही बाइक एकदम से बेकाबू होकर साइड के पेड़ से टकरा गई, जिससे चारों नीचे गिर पड़े। सौरभ और एक लड़का जो बाइक में पीछे बैठा था वो तो बाइक के साइड में गिरे, लेकिन जो बाइक चला रहे थे उन दोनों के एक एक पैर बाइक के नीचे दबे हुए थे। सौरभ और उस लड़के ने किसी तरह बाइक को खड़ा किया
चारों को काफी खरोचे आई थी और एक बार फिर से उन्हें उस सुनसान सड़क पर कोई लड़की दिखाई नहीं दी। सौरभ ने कहा, यह जगह सच में हॉन्टेड है यार, यहां से कैसे भी करके जल्दी निकलना होगा। सौरभ ने बाइक चालू करने की कोशिश की लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही थी और वहीं दूसरी बाइक का सारा पेट्रोल नीचे गिर चुका था, इसलिए वो भी चल नहीं सकती थी। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, तो सौरभ ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसने पुलिस को कॉल किया क्योंकि अब वही उनकी मदद कर सकते थे। पुलिस के आते तक वो चारों वहीं खड़े रहे, हालांकि डर के मारे वो लोगों की हालत बुरी तरह से खराब हो गई थी। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकली थी इसलिए उन तक काफी जल्दी पहुंच गई। सौरभ ने उन्हें पूरी बात बताई और पुलिस ने कहा, अरे भैया, जब पता है कि ये भूतिया जगह है तो इतनी रात को यहाँ क्यों भटक रहे हो, चलो घर छोड़ देते हैं तुमको। सौरभ और उसके दोस्त फिर पुलिस के साथ उस जगह से सेफली निकल गए। बाद में उन्हें पता चला कि इस जगह पर यक्षिणी का भी साया है जो अकेले नौजवानों को मौत के घाट उतार देती है। वो तो अच्छा हुआ कि ये चार लोग थे। दोस्तों, अब मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ। ये घटना भी उसी रोड पर घटी थी। असल में हुआ ये कि उस रोड पर एक शाम किसी 35 से 37 साल के आदमी ने आत्महत्या कर ली। तब पुलिस की इंक्वायरी शुरू हुई जिसमें पता चला कि उस आदमी ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले लिया था और सट्टे में वो सारे पैसे हार चुका था, जिसके बाद उस पर कर्ज देने वाले काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे और पैसे वापस करने के लिए उसे धमका भी रहे थे। इन सब से परेशान होकर उस आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। उस इंक्वायरी में मेरे जान पहचान का एक आदमी भी था। वो एक हवलदार था और इंस्पेक्टर के साथ केस की जांच के लिए लोकेशन पर पहुंचा था। उस आदमी की लाश बहुत बुरी तरह से ट्रक के नीचे कुचल गई थी, जिसके कारण उसका आधा चेहरा ही पहचान में आ रहा था और आधा चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका था। उसकी लाश को उस सड़क से उठाने और पूरी इंक्वायरी करने में शाम कब बीत गई पता ही नहीं चला। उस इंक्वायरी के बाद वो हवलदार और इंस्पेक्टर पुलिस जीप में बैठ गए और ब्लू क्रॉस रोड से जाने के लिए निकल पड़े। हवलदार जीप में पीछे बैठा हुआ था और ब्लू क्रॉस रोड की डरावनी सड़क को देख रहा था। तभी अचानक से जीप में ब्रेक लगा और एकदम से हवलदार को झटका लगा, जिससे वो थोड़ा आगे वाली सीट की ओर गिरने जैसा हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर ने कहा, अरे यार, कोई गाड़ी के आगे आ गया है। इंस्पेक्टर, ड्राइवर और हवलदार तीनों जीप से निकले और उन्होंने जीप के नीचे देखा, लेकिन जीप के नीचे कोई नहीं था और ना ही आसपास कोई था। ड्राइवर ने कहा, लेकिन सच में कोई भागते हुए गाड़ी के आगे आ गया था, आपने भी तो देखा था ना सर? इंस्पेक्टर ने भी इस बात पर हामी भरी। तीनों हैरान परेशान थे और तीनों ने उस जगह की भूतिया होने की बात भी सुन रखी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और वापस गाड़ी में बैठ गए। लेकिन इससे पहले कि गाड़ी चलती, हवलदार को जीप के नीचे से खून निकलते हुए दिखाई दिया। वो तुरंत नीचे झुका और उसे उसी आदमी की लाश दिखाई दी जिसकी इंक्वायरी पहले से शुरू हो चुकी थी। उसने तुरंत इंस्पेक्टर को इस बारे में बताया और ड्राइवर और इंस्पेक्टर ने भी झुककर उस लाश को देखा, जिसे देखकर उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। हवलदार ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? थोड़ी देर पहले तो इस आदमी की लाश को हॉस्पिटल भेजा है, अब ये यहाँ कैसे आ गया? ये सब बिल्कुल दिल दहला देने वाला मंजर था। तीनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। तीनों खड़े हुए और इंस्पेक्टर ने तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करके उस आदमी की लाश के बारे में पूछा, तो उसे पता चला कि लाश हॉस्पिटल में ही थी। ये जानकर उनकी हालत और खराब हो गई। इंस्पेक्टर फिर से नीचे झुका और इस बार वो लाश वहां नहीं थी। इंस्पेक्टर ने कहा, ये सब ठीक नहीं है, चलो यहां से जल्दी निकलो। तीनों जीप में बैठे और ड्राइवर ने जीप शुरू की, लेकिन जीप आगे बढ़ ही नहीं रही थी, मानो कोई चीज जीप को आगे बढ़ने से रोक रही हो। ड्राइवर ने जीप को पीछे लिया और जीप पीछे जाने भी लगी, लेकिन जब वापस उसे आगे बढ़ाया तो फिर से जीप पहली वाली जगह पर आकर रुक गई। काफी कोशिश करने के बाद भी जीप आगे नहीं बढ़ी। ये देख तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ये अविश्वसनीय था। डरते हुए इंस्पेक्टर ने मदद के लिए किसी को कॉल करने के बारे में सोचा,
लेकिन साला वहां पर नेटवर्क भी नहीं था। हवलदार ने कहा, अब क्या करें सर, इस समय कौन मदद करेगा हमारी, ये जगह सच में हॉन्टेड है। इतने में ही उन्हें एक आवाज आई। ये आवाज जीप के ऊपर से आ रही थी, कोई जीप को ऊपर से ठोक रहा था। हवलदार ने कहा, सर पैदल निकलते हैं यहां से, ऐसे ही बैठे रहें तो कुछ भी हो सकता है। इंस्पेक्टर को उसकी बात सही लगी, इसलिए तुरंत वो वहां से पैदल जाने लगे। पहले तीनों ने जीप की ओर नहीं देखा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब इंस्पेक्टर ने पीछे जीप की ओर देखा तो उसे जीप के ऊपर वही आदमी बैठा हुआ नजर आया जिसकी मौत हुई थी, और वो जीप को ऊपर बैठकर ठोक रहा था। ये देख उसकी सांसें डर के मारे तेज हो गई थी। वो तीनों वहां से दौड़ते हुए जाने लगे। उस जगह पर एक सेकंड भी रहना मतलब मौत को दावत देने जैसा नजर आ रहा था। थकते हारते तीनों ब्लू क्रॉस रोड से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्होंने आवाज सुनी। वो सुनकर तीनों रुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है हमारी ही टीम के लोग हैं, अब हम बच जाएंगे। वो तीनों वहीं खड़े रहकर उनकी टीम के आने का इंतजार कर रहे थे, और तभी उन्हें जीप दिखाई दी। लेकिन जब वो इतनी पास आई कि तीनों उसे क्लियरली देख सके तो उनके होश उड़ गए। वो जीप उनकी टीम की नहीं बल्कि उन्हीं की थी, जो आगे बढ़ नहीं पा रही थी, और उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं था। तीनों अपनी जान बचाने के लिए बस भागने लगे, और पीछे पीछे जीप भी आ रही थी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो थी। जब वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रहे थे तब अचानक उन्हें आगे से पुलिस सायरन की आवाज़ आई, और उसे सुनकर तीनों और कांप गए। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी सामने से आई तो उन्होंने देखा कि इस बार सच में उनकी टीम ही आई है, जिसे देखकर उनके जान में जान आई। तीनों डर के मारे थरथरा रहे थे। उन्होंने पीछे देखा, पीछे उनकी जीप नहीं आ रही थी। तभी एक और इंस्पेक्टर उनके पास आया और उनसे कहा, सर आपका कॉल नहीं लग रहा था और काफ़ी समय से आप लोग लौटे नहीं, इसलिए हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गए, आप लोग ठीक तो हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, यार आज तो जान गले में आकर फंस गई थी, लग रहा था आज बच नहीं पाएंगे। ये जगह सच में हॉन्टेड है, चलो यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद सब गाड़ी में बैठ गए और फौरन उस इलाके से निकल गए। उस हवलदार ने तो उस हादसे के बाद कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ब्लू क्रॉस रोड पर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही बातें पता चली मुझे ब्लू क्रॉस रोड के बारे में। अब आप में से कोई इस रोड के बारे में कुछ और जानता है तो ज़रूर बताना। और मेरा एक सवाल है, क्या अगर आपको मौका मिले तो आप लोग इस जगह पर जाना चाहोगे, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो आप मेरे सेकेंड चैनल ब्लडी सूरज को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।